नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट से पूर्व सीएम मधु कोड़ा को झटका लगा है। मधु कोड़ा कोयला का घोटाला मामले में दोषी करार हुए हैं। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर याचिका को खारिज किया गया। सीबीआई ने मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका का विरोध किया था। सीबीआई ने मधु कोड़ा की ओर से दायर याचिका का विरोध किया था, तो उस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली से। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को यह झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट से पूर्व सीएम मधु कोड़ा को यह झटका लगा है। मधु कोड़ा कोयला घोटाला मामले में दोषी करार हुए हैं। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमर, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, झारखंड के पूर्व सीएम है मधु कोड़ा, दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगा है और इन सबके बीच अब ये स्पष्ट है कि वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को एक बड़ा झटका दिल्ली हाईकोर्ट से लगा है, क्योंकि अगर आप बात करें कि जो निचली अदालत है उन्हें सीबीआई की अदालत ने उन्हें सजा दिया था, क्योंकि उन्हें दोषी पाया गया था कोल घोटाला में। उसके बाद वो इससे बचने के लिए इस पर कंट्रोल करने के लिए वो दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके इस अपील को निरस्त कर दिया। अब ये मान के चलिए कि जो झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिस तरह से ये कहा जा रहा कि वो चुनाव लड़ सकते थे विधानसभा का, लेकिन अब उनकी क्योंकि सजा याफ्ता है वो, और इस आधार पे वो चुनाव अब वो नहीं लड़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा झटका कह सकते हैं मधु कोड़ा के लिए, क्योंकि वो ये कोशिश की जा रही थी कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट इस सजा पे रोक लगा देती है तो वो चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि सीबीआई ने एक एप्लीकेशन डाल रखा था कि जब भी इस पर सुनवाई हो तो सीबीआई की भी बात को सुनी जाए, लेकिन जब हाईकोर्ट में इस बात की सुनवाई हुई तो अपनी ओर से सीबीआई ने कहा था कि ये दोषी हैं, और अगर इनको आप ये इनको दिया जाता है तो मामला जो है गड़बड़ हो सकता है, और इस आधार पर सीबीआई की आधार मानते हुए उसका उनके जो अपील था उस अपील को खारिज कर दिया। अब मधु कोड़ा सजा याफ्ता है और उनकी जो निचली अदालत जो सजा दी थी उस सजा को हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा है, और अब वो चुनाव लड़ने में अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये एक उनके लिए मुश्किलें बढ़ी है कि जिस आधार पे वो चाहते थे चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हाईकोर्ट ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया है। बिल्कुल अमर, बहुत बहुत शुक्रिया अमर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि ये पूरा मामला क्या कुछ है और इसका निष्कर्ष ये निकलकर सामने आ पाया है कि झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा अब विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और ये अपडेट इसलिए सामने आ रही है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।